अब इसकी बात की जाए, जहाँ पे हम बैठे हैं ज्ञान सरोवर, इसकी भी अगर हाई अप इन द माउंटेन्स अरावली, इसकी भी ज़मीन पहले बंजर थी, इनफर्टाइल थी, अनुपजाऊ थी, तो अब और स्पेशली दादी जानकी पार्क इसकी विशेष स्पेशली, और आज जब देखते हैं तो ये ग्रीनरी, फ्लावर्स, इट्स लाइक वंडर पैराडाइज। क्या ऐसा परिवर्तन पूरे विश्व में भी हो सकता है? होगा ही और हो ही रहा है। वास्तव में मैं तो ये देखता हूँ, लोगों को पता हो या ना पता हो, कि कोरोना के जो रूप बदल रहे हैं, इसके पीछे भी प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। हमने प्रकृति को पूरा दूषित कर दिया है, अब उससे जो कुछ आ रहा है उसका भी ये जो कोरोना के वेरिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की लहरें संसार में फैल रही हैं, वो भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं पहले कहूँगा, मेंटल पोल्यूशन जो बहुत बढ़ रहा है, जिस प्रकृति में निगेटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं, निगेटिव एनर्जी जा रही है, उसको रोकने के लिए यदि आप राजयोग सीखेंगे तो आप प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस देने में सक्षम हो जाएंगे, और फिर ये प्योरिटी के कारण ये प्रकृति बहुत सुखदायी हो जाएगी। इसलिए जैसा हमारा पीस पार्क है, यहाँ भी तो जंगल था, वैसे ही उबड़ खाबट, अब इसको हमने सुंदर बना दिया, लोग इसे हेविन में प्रवेश करना समझते हैं, तो ऐसा ही ये संसार भी हेविन बन जाएगा।